देखिए बेटा, एपी को हम कंटिन्यू करते हैं डिपेंडेंसीज में। एपी को पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, उसमें हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने अभी तक ये देखा है बेटा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, उसमें और टेंथ में ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया है, अभी तक कोई डिफरेंस नजर आया नहीं है। आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी कि अगर आप लोगों ने टेंथ में आरडी शर्मा अच्छे से पढ़ी है तो, या एलिमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ी है तो वही क्वेश्चन चल रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस जो आएगा बेटा वो आएगा ए अरिथमेटिक में, मेन चीज लगा हूँ मैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस आएगा। आप लोगों ने जिन कम्युनिटीज में भी आप लोगों ने बात पढ़ी होंगी या पढ़ाना तो भी आप लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। ठीक है, मैं दो तीन टाइप आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। ठीक है, आपको पते क्लियर हो जाएगी। उसमें एम टर्म्स का जो सम है ना, एम टर्म्स का सम उसको किसी नाम करते बेटा एस एम, ये तो बेटा कह रहे हैं एम टर्म्स का सम जो बेटा वो एन टर्म्स के सम के इक्वल है, एन टर्म्स के सम के इक्वल है। एम टर्म्स का सम किसके इक्वल है बेटा, एन टर्म्स के सम के इक्वल है। बात समझ आ गई, कह रहा मेरे को बताइए एम प्लस एन टर्म्स का सम बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया, मैंने जो बात बोली वो समझ में आ गई आपको। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है एम टर्म्स का सम एन टर्म्स के सम के इक्वल है, तो एस एम इक्वल टू एस एम। तो मेरे को फाइनल करना है एम प्लस एन टर्म्स का सम। अब बेटा एस एम इसके फॉर्मूला किसको याद है बेटा, बोलिए एम बाई इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू, बोले बेटा एस एम का फॉर्मूला बोलिए इंटू टू ए प्लस, बोलिए बात सुन जाएगी। क्या मैं टू से टू कैंसिल कर सकता हूँ, मैंने क्या क्या मल्टीप्लाई कर दिया टू एम ए प्लस एम ए टू एम माइनस वन ए टू डी, बोले बात नहीं आई, बोले बेटा मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया टू एम ए प्लस एम ए टू एम माइनस वन ए टू डी, बोले बेटा बात नहीं, बोले सबको क्लियर। अब ध्यान देंगे बेटा, मैं इनको इससे लिख जा रहा हूँ तो टू ए को बना जाएगा, बोलो नजर आ रहा है आपको, स्पेशल सेट है कोई कोमल दे दिया तो एम इधर जाएगी माइनस एन होंगे, बोलो बात सुन जाएगी, बोलो प्लस देखो इसमें और इसमें डी कोमल आएगा, डी कोमल दे दिया जो इसको मल्टीप्लाई करो तो एम इंटू एम माइनस वन उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एन इंटू एन, बोले बेटा समझ में आया। बोलिए यहाँ किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो देखिए 2a m माइनस एन प्लस मल्टीप्लाई कर एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन टू इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए बेटा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को एक साथ ले लो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, एम माइनस एम एन इंटू एम प्लस, माइनस एन प्लस एन है माइनस को मान लीजिए एम माइनस, तो ये बात आपको मन में आएगी नहीं, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बोलिए, सबको समझ में आ गया। तो कह रहे बच्चों एम माइनस एन और एम माइनस एन को मान ले सकते हो यहाँ से, देखिए टू ए इंटू एम माइनस एन प्लस एम माइनस एन
माइनस एम पर तो मान लीजिए तो पूरे से बोलिए तो एम माइनस एन टू ए प्लस एम प्लस एम माइनस वन इनटू डी इक्वल टू जीरो बोलिए कर सकते हैं। हाँ जी क्लियर। अब तेरे बच्चों की बात होता है उनको कि अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए इसमें तो फिर बेटा एक टर्म तो जरूर जीरो होना पड़ेगा, ये बात तो पता है। तो अगर ये टर्म और ये टर्म दोनों प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए बेटा इसका मतलब क्या है, जीरो या ये जीरो या दोनों जीरो है, बोलो बात सुना है। लेकिन आपको पता है बेटा एम और एन तो दो डिफरेंट टर्म्स हैं, अरे हमारी एम की वैल्यू फाइव होगी, एन की वैल्यू फोर होगी, अलग अलग टर्म होगी, तो एम माइनस एन तो जीरो नहीं हो सकता, बोलो हो सकता है क्या? इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, बोलो ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब बेटा टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हो गया बेटा। अब वैसे अपनी बात है इसको नाम दे दीजिए, क्या नाम दे दीजिए बेटा, बोलो बात समझ आ गई, बोलो। अब देखिए एस एम प्लस एन निकालना है आपको, तो बोलिए क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, एम प्लस एन बाई इंटू प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोले बात सुनाएंगे क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू बोली क्या है जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग क्या बनेगा जीरो, रिजल्ट क्या आया जीरो, बोले बात सुनिए। सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? आप ध्यान से सुनने वाली बात पता क्या है, क्वेश्चन क्या कह देगा, क्वेश्चन आपसे कह दे सम ऑफ 1-3 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ 200 टर्म्स, बोल गया। और पिछले आपसे एस 350 हो जाएगी क्या आएगा जीरो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर आपको रिजल्ट दिया जाए, बोलो बात सुन क्या ही मैथ्स में मजा आ रहा है, बोलिए। वो तब तक रहेगा वो मजा, तब तक हम बेटा घर जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप पढ़ना छोड़ दिया घर जाके फिर आपको इससे कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा घर जाके फ्रेंड में पढ़ रहा है उससे मजेदार सब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, फिर दोनों ही बातें बेटा, चाहे कोई पढ़ रहा है घर जाके मजा आ रहा है, पूरा मजा आएगा उसका पढ़ने में, नहीं पढ़ोगे तो यही होगा बेटा, आप मेरे को पढ़ाई नहीं देंगे और मैं पढ़ के चला जाऊँगा, ये घंटे हम पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते बताइए, एक घंटे बेटा हमने पढ़ा रहे हैं तो आप क्वेश्चन समझ रहे, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मतलब एक घंटे में पढ़ के ले जाता हूँ, एक घंटे मैंने बोर्ड पर सब कुछ लिखा, इससे किसको आ रहा है, मेरे को आ रहा है ना, आपको कब आएगा जब आप में करेंगे, मैं सिंपल सा करें थे कुछ नया रूल नहीं लगा, जो लिख लिख के देखिए बेटा उसी को आएगा, मैं लिख लिख के देख रहा हूँ मेरे को आ रहा है, आप लिख लिख के देखेंगे आपको आएगा, ठीक है, नहीं लिखेंगे बात समझ आ गई, बोलिए।
तो देखेंगे बेटा, मेरा दिमाग में एक बात क्लियर है कि जो दे रखा है ना सम ऑफ एन टर्म्स दे रखा है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलिए, एम बाई इंटू9n plus 4 और 9n
दो एपीए बेटा, दो एपीए को जब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई दोनों का अलग आएगा, हम सेम फॉर्मूला मान सकते हैं, ठीक है ना? उनका सम जो है मैंने अलग मान लिया, एक है एस एस एन और एक का एस एन। एन टर्म की बात कर रहा तो एन सेम हो गया, नंबर ऑफ टर्म सेम है, तो इसमें पचास टर्म ले रहे थे, उसमें पचास टर्म है, उसमें एंड ले रहे थे, उसमें एंड हो जाएगी। बात सरकार की बोलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं ये सोचूं कि अगर फर्स्ट टर्म अगर इसकी कैपिटल ए मान लो, कैपिटल टी से कॉमन डिफरेंस मान लो, तो इसमें बोलिए बेटा एस एस एन फॉर्मूला बोलिए एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू बोलो बेटा सुनता है क्लियर समझे देखिए एन बाई टू ए इसमें फॉर्म मान लीजिए एन माइनस वन इंटू फाइव एन प्लस फोर नाइन एन प्लस और एन बाई टू एन बाई टू को मान दे रहा हूँ मैडम ऊपर से टू अगर मैं को मान लेता हूँ बेटा देखिए ए प्लस ये डिवाइड हो जाएगा टू से नीचे से टू को मान लू बेटा ए प्लस डिवाइड हो जाएगा टू से
आपके क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एचपीवी ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना बेटा ए, सेकंड टर्म बी, लास्ट टर्म टू ग्रुप किसी जो सम है ना, एक ही सम क्या, सम को क्या दिखाना बेटा, बी प्लस सी माइनस टू ए, ए प्लस सी by 2 in b minus 2 sum dikhana hai, ye aapko sum dikhana hai, to pyare bachcho ek baat batao, the first term de dega ki pehle wale term ka pata chalega, second term de dega beta common differential pata chal jayega, are bolo yani beta agar main starting karu yahan se to first term to uske paas hi hai, सेकेंड टर्म जो है वो ए प्लस बी आएगी कि नहीं आएगी बताओ, अरे बोलो उसको इससे ही फिट करा दूं मैं, बी से बी दे रखा आपको, बोलो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, कॉमन डिफरेंस आ गया, अरे बोलो भाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो तो कॉमन डिफरेंस होता है, ए प्लस कॉमन डिफरेंस, मैंने कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया, आगे नहीं आगे लास्ट टाइम हमको क्या बेटा सी, तो ए एन तो बेटा वो सी हो गया, मैं इन मेरे निकाल दूं, अरे बोलो तो ए एन का फॉर्मूला उसमें ही बेटा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एन माइनस वन इन टू डी इक्वल टू सी माइनस बोलिए तो बेटा देखिए एन माइनस वन c माइनस ए अपॉन डी, डी की वैल्यू बोलो क्या है, n की वैल्यू से ज्यादा है तो b माइनस ए अपॉन, अगर मैं करूं तो देखिए बेटा c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, n की वैल्यू आई बेटा c माइनस प्लस का b माइनस का 2a अपॉन b माइनस ए, और बेटा सब में आ गया n आ गया अपने पास, अरे n आ गया ना, नंबर फ्रॉम जा चुकी, अब बेटा आपको क्या चाहिए, इन टर्म का सम चाहिए, एस एन चाहिए, तो बेटा एन बाई टू एन तो है पास सी प्लस बी माइनस टू ए बाई टू इन टू बी माइनस, अरे एन बाई टू इन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बोलो तो ये क्या था, बोलो समझ में आया कुछ नहीं आया, क्लियर कोई दिक्कत बेटा, बोलिए क्लियर है, देखिए एक क्वेश्चन और दोबारा मैं आपको दे आपको ट्राई करें उस क्वेश्चन को, मैं आपको दोबारा क्या बेटा बी,
और सी टर्म का सम क्या है, आर टर्म का सम क्या है, सी जी, ठीक है। चलो फिर मजा आता है सब लोग को, मजा आता है मैथ्स की चीज़ें करना, मैं तुम दूसरा पढ़ूँगा दूसरे चीज़ में तीसरा पढ़ूँगा यानी क्या नहीं होगा, तो लास्ट में यही निकल के आता है, इसको पढ़ूँगा कुछ भी नहीं, लास्ट क्या निकल के आएगा, जब पढ़ना ही नहीं है तो बैठी बची बात है। अगर आपने आर्ट्स में लिया है या कॉमर्स में है या किसी भी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में आपने कोई जबरदस्ती की किसी ने आपके लगती है सब्जेक्ट लेना लाया किसी को, आप अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, मर्जी से बैठे हुए मर्जी से पढ़ना चाहिए, फिर आप ये नहीं कह रहे कि मेरे को मजा नहीं आ रहा, जो इस साल की दिया आपने मेहनत किया है ये आपको पढ़ना चाहिए, चाहे मन करे चाहे ना करे पढ़ना तो पड़ेगा। क्या मैं एसपी का फॉर्मूला लगा दूं, बोलो तो लगा सकते हो आप एसपी का फॉर्मूला, एसपी का लगाओगे एस आर का लगाओगे, ठीक है सोल्व करो बेटा, तो लास्ट में भी रिजल्ट आपका आ जाएगा, अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे तो आपको यही अंक आएगा, ठीक है। आपको दिमाग में समझिए होना चाहिए क्यू माइनस आर आर माइनस क्यू और क्यू माइनस क्यू कैसे करके निकालेंगे, इसका फॉर्मूला जब लिखोगे तो मतलब थ्री बाई टू टू ए ए अपने फर्स्ट टर्म ए हाँ ठीक है ना, प्लस ए माइनस वन है तो टू ए, अब ध्यान से अगर इस साइड में सिर्फ बी रखूँगा, क्या रखूँगा बी, क्यों ये बी वाले टर्म रखूँगा बी, ताकि मैं बी बी एनर्जी क्यू रखूँ, एनर्जी क्या रखूँगा बेटा आर, ताकि मैं उसको सब करके क्यू माइनस आर कर दूँ, बी माइनस आर माइनस बी और बी माइनस क्यू, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई करो साइड नाम उसके क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल, और रिजल्ट क्या आएगा आपका करोगे बेटा, कल चेक करो मैं आपका ये क्वेश्चन, हाँ भाई करके लाओगे ना ईमानदारी से, सारे बता दिए बेटा इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा देखिए, आपको क्वेश्चन और डिग्री 50 वाला क्वेश्चन बता दिया था भाई, 3 से डिवाइड करें मीटर बनाए 4 से डिवाइड करूंगा तो करवा देंगे करवा देंगे, हाँ बेटा हमने अपने टर्म को एक्स्ट्रा कर लिए थे अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन तो क्या होता है अरिथमेटिक मीन वो समझेंगे बेटा, देखिए बेटा अब हम जैसे आप लोग मीन निकालते हैं आप लोगों को आता होगा, आता था मीन होता था क्या होता था, था? अगर तीन जो भी नंबर देते सब का सम करके कितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, आप समझ अरिथमेटिक मीन क्या हो रहा है बेटा, अगर मान लीजिए ए ए और बी इसमें बेटा इसमें बेटा इसमें तो जो ए है ना बेटा बीच का क्या हो गया अरिथमेटिक और बस ना क्या अरिथमेटिक अगर तीन तरह से बीच वाले जो टर्म आई वो क्या कहलाएगी, अब आपको एक बात तो पता है एक बात आपको बिल्कुल भी नहीं रहा बेटा, लेकिन ये फ्री में की बात इसका डिफरेंस ए माइनस ए इसका इसका डिफरेंस इसके से डिफरेंस के बराबर आएगा, कितनी बड़ी की हो तो अगर मैं इस ए को इस साइड ले आऊं तो कैपिटल टू हो गया इधर बेटा ए प्लस बी हो गया बेटा, तो जो ए आया वो ए प्लस बी बाई देखो बी कितना बन रहा है तो नो बस कंबाइन बोलो बस क्लियर है, अरे बोलो
यानी क्या है, अगर दो टर्म दे रखी हूँ तीन टर्म अगर एक में दे रखी हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ बीच वाले का डबल बाकी दोनों के सब बराबर आता है, नहीं उसको से डिवाइड करो तो इक्वल नहीं बाकी ले और उल्टा। अब ये सोचने वाली बात ये होगी, चलिए मैं ये क्वेश्चन बात कर रहा हूँ पहले इससे आगे, लेकिन आप कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करो देता हूँ फिर अब इस पेपर आगे बढ़ेंगे। ट्वेल्व थ्री ए देखिए माइनस सेवन ए पी में इसमें बेटा ए की वैल्यू बताओ फटाफट चेक करके बताओ भाई फटाफट सिंपल का क्वेश्चन बोला है क्या है फोर देखिए अब तीन टर्म है बेटा तीन टर्म अगर एक में हो जाए बीच वाले का डबल बाकी दोनों के टू के इस देखिए माइनस सेवन थ्री हो जाए माइनस थ्री अब अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो देखिए ए और बी कोई दो नंबर दे रखे हैं, ए और बी कोई दो नंबर गिवन है, क्या है जैसे यहाँ ए और बी दे रखे हैं हमने ये नंबर डाल दिए, अगर मैं इसके बीच में ए वन ए टू ए थ्री ए एन ये के बीच में ए एम डाल दिए एन एम कितने एम डाल दिए बेटा ए पे बढ़ जाएगा ऐसे कोई दो भी डाल सकता है एक भी पांच भी दस भी हजार करोड़ कितने भी डाल सकता है, मैंने एन एम डाल दी कितने एम डाल दिए क्वेश्चन आ रहा है ये होगी क्या उसकी बीच में रिलेशन बताओ फिर क्या बनेगी कि क्या क्या रिलेशन आएंगे बात समझ में आ गई लेकिन बीच में रिलेशन निकालेंगे बेटा रिलेशन से मिलेगा कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है वो देखिए अब सोचने वाली बात ये है अगर ये सारे ए एम डाल दिए हमने एन ए एम डाल दिए इनके बीच में तो सर ए पी में मर गया बेटा ये बताओ इस ए पी में कितने क्रम हो गए बेटा इस ए पी में कितने क्रम है बोलिए कितने क्रम है इस ए पी में ए एम कितने हैं बोलो एन फोन नंबर कितने दे रखे थे दो ए और बी ए और बी तो गिवन नंबर है टोटल कितने टर्म हो गई तीन एन प्लस टू नहीं होगी अरे एन थ्री है तो ये हो गई एन प्लस टोटल टर्म कितनी होगी एन प्लस बात समझ में आ गई अरे आई थी क्लियर यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँ तो यहाँ से मैंने आपसे आपने कितने टर्म हो जाएगी एन प्लस ठीक है ना एन प्लस टू एट टर्म क्या है बेटा बी एन प्लस टू एट टर्म क्या है जी है कि नहीं है यानी कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि
एन प्लस टू बी है दोनों की तरह है और इस समय आए क्या है अगर मैं किसी वजन की बात करूँ तो क्या आगे क्या आए नहीं आए क्या कोई सपोर्ट ना होता तो ना आता है बोले क्या बनेगा ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इन टू बोलिए ये तो बस बस ये ही है तो है कि नहीं है तो अगर ध्यान दें तो प्रोडक्ट एन प्लस वन बन जाएगा इन टू बी ए प्लस सेट कर दीजिए बी माइनस ए तो अगर मैं यहाँ दी निकालूँगा तो बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन आएगा बताइए यानी कि मैंने क्या किया मैंने इन दो नंबर के बीच में जो जी है ए एम डाले मैंने उनके बीच में कितना कितना डिफरेंस आएगा सबके बीच में वो निकाल दिया कितना आएगा और बचा बी पता है तुम्हें ए पता है दोनों का डिफरेंस अब और टोटल टर्म मान के एन ए एम डाले तो एन प्लस पास में आ गई बोले कोई दिक्कत याद है बोलिए भाई अब आगे देखिए हमें चाहिए चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ उस एग्जाम्पल की थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ठीक है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ टू और फाइव देखो ये दो नंबर दे दिए टू और फाइव में क्या दे दिए था दो नंबर कैंड के बीच में तीन एम डाल दिए ए वन ए टू और डाल दिए ठीक है मतलब कितने कितने कटे जब देखो ये बीच में अगर ये भी बनानी है तो देखो कैसे बनाऊंगा तीन तीन टर्म ले लूंगे बीच में तो बताओ कैसे ये बनेगी एपी तो बनानी होती है ये हमारे को तो एपी बना रहा होगा तो बताओ उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है ये पूछ सकता है तो बोलिए बेटा ए का काम क्या करता है तो बी का काम एन कितना है बेटा बोलिए कितने एम डाले आपने तीन का काम बताया अगर मेरे को डी निकालना है बेटा बी माइनस अपॉन एन प्लस वन दोनों पास में आएंगे थ्री बाई थ्री मेरे को डी कितना लेना पड़ेगा ऐसे बेटा मेरे को अगर दस ए एम डालने पड़ते तो बताओ डी क्या लेना पड़ता फटाफट बताइए अगर मेरे को दस ए एम डालने पड़ते तो क्या डी लेना पड़ता मेरे को थ्री बाई कौन सी समझ में आ रहा है क्या करने वालों में समझ में आ गया यानी कि अगर आपको कोई दो नंबर दे दे उन दो नंबर के बीच में आप कितने भी नंबर डाल सकते हैं कि वो करेंगे दो नंबर अगर मैंने आपको दे दिए और मैं आपसे कहूँ दो नंबर डालो तीन नंबर डालो चार नंबर डालो उनके बीच में हजार डालो और इस तरीके से डालो तो एपी में बने इस तरीके से डालो तो एपी में बने तो बेटा वहाँ पे कॉमन डिफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए था डी पता होना चाहिए क्या ऐसे कह लेंगे कि सब में बराबर बराबर डिफरेंस रहे तो डी निकाल लेगा तरीका है बी माइनस ए या कौन जितने ग्राम आपको चाहिए वो प्लस प्लस बात समझ में आई बोले बेटा सबको क्लियर है अब देखिए अभी तो आपको आ गया समझ में आ गया देखिए आ गया अब वो ये भी तो कह सकते हैं वो टर्म भी बताओ कौन कौन से आएंगे टर्म भी बताइए कौन से आएंगे जैसे मैं आपको कह दूँ टू फाइव के बीच में तीन ही एम डाल तो डी कितना है बेटा मेरे पास यानी कि जो अगली तरफ ए वन आएगी और टू प्लस थ्री बाई फोर इससे अगली जो आएगी तो थ्री बाई फोर थ्री एड कर दो थ्री बाई फोर थ्री एड कर दो थ्री बाई फोर थ्री एड करते फाइव आ जाएगा ये तो मतलब बन रहा है इसका अरे बोलो थ्री बाई फोर एड करो इसमें कितना आएगा एट प्लस थ्री इलेवन बाई बुलाए नहीं है इसमें थ्री बाई फोर एड कर दिया इसमें इलेवन बाई थ्री फोर में थ्री बाई फोर फोर्टीन बाई फोर इसमें बेटा जब फोर मिला थ्री बाई फोर एड कर दिया सेवनटीन बाई इसमें थ्री बाई फोर ट्वेंटी बाई फोर फाइव बन गया कि नहीं बन गया बोलो बन गई बोलो बना कि नहीं बना ठीक है यानी कि अब आपसे कोई टर्म भी पूछ सकता है बताइए कि जो पाँच बाई एम बताइए दस एम डाल दिए तो मैं तो मैं ऐसे ऐड करता जाऊँगा और निकालता जाऊँगा नहीं ना वो आपसे कह सकता है अगर उसके बीच में हंड्रेड ए एम डाल दिए कितने एच एम डाल दिए हंड्रेड तो उससे बड़ा मैं तो नाइन बी वाला जो ए एम है ना वो बताओ क्या आएगा पूछ सकता है बोलो पूछ सकता है
तो देखिए हम लोग ए एम कैसे निकालूंगा ये समझने वाली बात आ गई, तो फर्स्ट ए एम कैसे आएगा, सेकंड ए एम कैसे आएगा, थर्ड ए एम कैसे आएगा, तो पचासवा ए एम कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट ए एम निकालू ए वन तो पता तो कौन सा मैं क्या रहेगा बताओ, ये ए वन कौन सा नंबर क्या है, सेकंड देखो दूसरे नंबर क्या है बेटा, ए वन निकालो ए प्लस डी आई एन नहीं है, अरे टू माइनस वन इंटू बी, ठीक है। ए टू निकालो बेटा, जो थर्ड क्वेश्चन क्या है ए प्लस थ्री माइनस वन अच्छा आगे, तो अगर मेरे को एन एस ए एम निकालना तो ए प्लस ठीक है।